चले खुशबू जहां घुली है हवाओं में, थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागल पंजीन में, कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाने वाला प्रदेश खूबसूरत हरी भरी वादियों के बीच, काम एंड सीरीन एटमॉस्फेयर, जहाँ की पहचान है कलरफुल ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हंसते मुस्कुराते लोग। भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक मिजोरम को लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। यहाँ के वास्ट कल्चर और ग्रैंड फेस्टिवल्स का अपना एक अलग यूनिक चार्म है, जिसे सुनकर या पढ़कर समझा नहीं जा सकता। उसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है जब आप मिजोरम की शांत धरती पर खुद आकर इसे एक्सपीरियंस करें। पूरे मिजोरम में फैली डेंस ग्रीनरी और 21 हिल रेंजेस आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। मिजोरम यानी लैंड ऑफ मिजोस का पहला नाम लुशाई हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम हुआ करता था। 1987 में मिजोरम को राज्य घोषित कर दिया गया। मिजोरम पहाड़ों और घाटियों दोनों के साथ एक डाइवर्स लैंड है, जहां आदिवासी गांव भी हैं और मॉडर्न कल्चर वाले अर्बन सेंटर्स भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास बसा आइजोल मिजोरम की कैपिटल के साथ साथ राज्य की सबसे बड़ी सिटी भी है। एलिवेटेड सेटिंग्स और ब्रेथटेकिंग व्यूज के साथ कैपिटल होने के बावजूद आइजोल एक पीसफुल सिटी है। मैं सचमुच बहुत एक्साइटेड हूँ पहाड़ों पर बसी इस छोटी सी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। आइजोल पहुँचने के लिए बहुत सी कनेक्टिंग फ्लाइट हैं और यह रोडवे से भी पहुंचा जा सकता है। मिजोरम में एंट्री के लिए इनर लाइन परमिट लेना होता है, जो मिजोरम में एंटर करते हुए मुझे एयरपोर्ट से ही मिल गया। मिजोरम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आइजोल में। गर्मियों में यहाँ का मौसम बेहद सुहावना होता है और एयरपोर्ट से मेरे होटल तक की ड्राइव उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही कम पड़ गए हैं। बादलों से ढके पहाड़ी रास्ते जहां तक नजर जाती है दूर दूर तक फैली हरियाली। वैसे मैंने एक बात नोटिस की, नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट का अपना अलग अलग फ्लोरा और फौना है। मैं सिटी देखने के लिए इतनी उतावली थी कि होटल पहुंचकर मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए मैं सबसे पहले जा रही हूँ यहाँ की फेमस प्रेस्बिटेरियन चर्च। प्रेस्बिटेरियन चर्च देखकर एक बार तो मुझे लगा कि क्या मैं वाकई किसी चर्च में हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चों का स्कूल चल रहा था और यहाँ छोटे छोटे प्यारे बच्चे प्रेयर कर रहे थे, तो मैं भी शामिल हो गई
उनकी प्रेयर में। मैं इतनी मेस्मराइज हूँ इन बच्चों को देखकर, इतने प्यारे ये देखने में हैं, उतने ही ये एक्टिव भी हैं। दुनिया भर में बने ये प्रेस्बिटेरियन चर्च बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल चलाते हैं। यहाँ आइजोल में भी चर्च में चल रहे इस स्कूल प्रेयर को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। प्रेस्बिटेरियन चर्च के डिवाइन और इस वंडरफुल एक्सपीरियंस के बाद अब मैं जा रही हूँ अपना सबसे फेवरेट काम करने के लिए, यानी शॉपिंग के लिए। और मुझे पता चला कि यहाँ शॉपिंग के लिए सबसे आइडियल प्लेस है बड़ा बाजार। बड़ा बाजार आइजोल का लोकल मार्केट है। ये यहाँ का लोकल शॉपिंग सेंटर है जहाँ पे लाइन में बैठी लड़कियाँ बहुत से कपड़े, क्राफ्ट और सब्जियां बेचती हैं। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट टू चेक आउट। Nice local bags. तो यहाँ पे कपड़े का मार्केट है, यहाँ पे क्राफ्ट है, यहाँ पे शूज हैं, यहाँ पे बैग्स हैं। एक्चुअली हर तरीके का सामान बड़ा बाजार में मिल जाएगा। बड़ा बाजार सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ की ब्राइट ट्रेडिशनल गार्मेंट्स और लोकली ग्रोन फूड प्रोडक्ट्स के लिए। मिजोरम में बहुत सी अलग अलग तरह की बीन्स को पकाकर खाया जाता है, इसलिए यहाँ मार्केट में मुझे कई तरह के बीन्स बिकते हुए दिखाई दिए। इतनी बीन्स की वैरायटीज तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इसका नाम है मिजो बटे and this is miso rajma. Okay, at least one thing I know here, that is rajma. Northeast ke har state mein maine ek baat notice ki ki yahan markets mein zyada tar ladies kaam karti hai. Pure bazaar mein mujhe male vendors kahin nazar nahi aaye samaan bechte hue. मैं आई हूँ जो फूड में, जो कि यहाँ का लोकल रेस्टोरेंट है, और मैं यहाँ मिजो फूड ट्राई करना चाहती हूँ। हाय, आपके पास मिजो फूड क्या है? थाली है आपके पास? हाँ जी, मेरा पास थाली है। अच्छा, तो ये चटनी है, लोकल चटनी। ये काय की चटनी बनी है? ये कैबेज का है। ये कैबेज है, और ये? और ये मूली का है। ये मूली की चटनी है। ये मिर्ची है, हरी मिर्ची? ये हरी मिर्ची नहीं है, वो क्या बोलते हैं, बीन्स का तरह आता है। बीन्स की चटनी है। Very nice.
ये लोकल वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, साथ में इसके थोड़ी सी या तो दाल है या बार्ली है. I'm gonna try some chutney. I'm putting everything together. सबसे अच्छी बात है कि बहुत हेल्दी है खाना, क्योंकि मोस्टली बॉयल्ड है, कुछ भी फ्राइड नहीं है और कुछ भी इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है. अगर आप मिजोरम आए तो इनकी वेज थाली ज़रूर ट्राई कीजिए. आइजोल से 18 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है फाल्कोन, जो टिपिकल मिजो विलेज के लाइफस्टाइल और कल्चर को डिपेक्ट करता है. यहाँ विभिन्न जातियों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और इन्हें मिजो कहा जाता है. इनके कलरफुल अटायर से इनके रिच कल्चर का पता चलता है. मिजोरम में बहुत सुंदर नज़ारे हैं देखने के लिए. मिजोरम इज अ ब्यूटिफुल एंड अ पीसफुल स्टेट टू डिस्कवर. मिजो विलेज एक लाइव म्यूजियम है जिसे ज़ोखवा कहते हैं, और यहाँ पर मैं मिजो लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ. यहाँ पे वो सभी चीज़ें अपने ओरिजिनल फॉर्म में रखी हुई हैं. यहाँ इस मिजो गांव में लालिन यानी कि गांव के मुखिया का घर, जाबुक विच वॉज अ डॉर्मेट्री, पम्प यानी कि ब्लैक स्मिथ और मिजो के टिपिकल हाउसेज यहाँ बनाए गए हैं. मिजोस बहुत जल्दी अपने रहने की जगह बदला करते थे, कभी एक जमीन की वजह से या फिर दूसरे कबीले के अटैक की वजह से पूरा गांव शिफ्ट किया जाता था. इसलिए यहां गांव के घर बनाने और रहने के कुछ खास ट्रेडिशन हुआ करते थे. मिजो विलेज अक्सर हिल के ऊपर बसे होते थे. गांव में लगभग 300 से 500 घर हुआ करते थे. गाँव के मुखिया का घर सबसे बड़ा होता था. टिपिकल मिजो विलेज है जहाँ पर इस हट में मैं देख सकती हूँ कि ये लोग पुराने समय में कैसे रहते थे. बैम्बूस को इस्तेमाल करके ही ये हट बनाई गई है, और मैं देख सकती हूँ कि कितनी अच्छी सीलिंग बनाई है और कितनी अच्छी फ्लोरिंग बनाई है. मोस्टली ये जो हट्स हैं इन्हें एलिवेट करके बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी बहुत होती है, तो ये एक अच्छे वुडन प्लैंक पे बनाई गई हैं. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुली डिजाइन मिजो हट. कितनी इको फ्रेंडली है, और इसकी विंडोज भी कितनी इजीली स्लाइड हो रही हैं. आई एक्चुअली कुडंट बिलीव कि इतने अच्छे से बनाई गई हैं.
हट में पहला ही रूम किंग के सर्वेंट का होता है, जहां उनके सब वेपन्स रखे हुए हैं। सो मीजो किंग जो है वो वॉरियर्स होते थे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे वेपन्स हैं। और ये है किंग की चेयर। साथ में एक किचन है जहाँ पे मीट को ड्राई किया जाता था और साथ में उसे पकाया जाता था, और एक छोटे से कंटेनर में एनिमल फैट जमा किया जाता था जो कुकिंग के लिए यूज किया जाता था। ये उनका हुक्का हुआ करता था और सोने से पहले वो इसे इसमें रख के सोया करते थे। और ये पूरे परिवार की मेन प्लेट है, जिसमें पूरा परिवार आसपास बैठकर इस थाली में से खाना खाता था। मुखिया के घर के सबसे नजदीक होता था जाओ बुक, जहाँ गांव के सारे बच्चे शाम को इकट्ठा होते थे और रात को सोते थे। जाओ बुक ऐसी जगह होती थी जहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज मिल सकती थी और इमरजेंसी में मदद भी। और ये जगह मीजो बॉयज का ट्रेनिंग ग्राउंड भी हुआ करती थी। विलेज के एंट्रेंस पे ऐसे ये दो बोल बने रहते थे, जहाँ पर वो अपने दुश्मनों के सर और अपने शिकार के सर काट के टांगा करते थे। यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड की सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन फिर भी कोई भाग दौड़ नहीं है और कोई जल्दबाजी नहीं। आइजोल गुनगुनी धूप में अलसाया सा एक शहर है। अगर आपको चाहिए कुछ रिलैक्स टाइम इन द लैप ऑफ नेचर, तो मिजोरम की कैपिटल सिटी आइजोल आपके लिए एक परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन है। तो अब मैं लेती हूँ मिजोरम से विदा। सफरनामा के अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगी माँ त्रिपुरा सुंदरी के धाम, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। रहिए मेरे सफरनामा के साथ, क्योंकि एग्जॉटिक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत कुछ देखना बाकी है। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुशियाँ बांटिए एंड कीप ट्रैवलिंग।